पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के ईडी मामले से जुड़ी याचिका पर दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सीबीआई कोर्ट ने कल जमानत याचिका खारिज कर 30 अगस्त तक रिमांड बढ़ाई थी। G7 सम्मेलन की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात। मुलाकात में मोदी ने ट्रंप से कहा, भारत पाकिस्तान के मसलों में किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं। ट्रंप बोले, भारत पाकिस्तान आपस में मिलकर विवाद सुलझा सकते हैं। रिजर्व बैंक के बोर्ड ने जालान कमेटी की सभी सिफारिशें मानी। केंद्र को अपने रिजर्व सरप्लस से 1,76,000 करोड़ देने का प्रस्ताव मंजूर किया। केंद्र को RBI की तरफ से दिए जाने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी रकम। RBI के केंद्र को सरप्लस देने के फैसले पर राहुल गांधी का ट्वीट, कहा प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री खुद के पैदा किए हुए आर्थिक संकट को हल करने के बारे में कुछ समझ नहीं पा रहे, खजाने की चोरी काम नहीं आएगी। यूपी के शाहजहांपुर में बेकाबू ट्रक ने टेम्पो और टाटा मैजिक को टक्कर मारी, 16 लोगों की मौत, 5 लोग घायल। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली पीवी सिंधु का दिल्ली एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत, प्रधानमंत्री से भी मिली। और US ओपन में रॉजर फेडरर ने भारत के सुमित नागल को 4-6, 6-1, 6-2, 6-4 से हराया।